नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। सो गाइस, आज आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है चंबा में, नहीं हर जगह, बट मैं तो फिलहाल चंबा में रहती हूँ तो मेरे लिए तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरे घर में आपको बता दूँ इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, बट चंबा में मेरे को बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि मेरा घर तो पहाड़ों में है, तो वहाँ पर 24 घंटे हवा हवा चलती रहती है क्योंकि मेरे घर के आर पार पानी ही पानी है, नदियाँ ही नदियाँ हैं, तो उससे ठंडी हवा आती रहती है, तो हमें बिल्कुल भी गर्मी रियलाइज नहीं होती गाइस। हमारे यहाँ तो गर्मी के टाइम भी हमारी स्वेटर नहीं उतरती, पर यहाँ चंबा में गर्मी है तो मुझे बार बार नहाना पड़ता है, तो अभी भी मैं फ़िलहाल नहा बैठी हूँ। सो गाइस, मैंने सोचा आज मैं क्या करूँ क्या करूँ, तो मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं गोलगप्पे खाने जाऊँ, पानी पूरी। तो आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पर सुना हुआ है कि बालू में एक शॉप है, वहाँ पर बहुत ही मस्त पानी पूरी मिलती है, सुना है वैसे। चलो आज लग जाएगा पता सच में होती है मस्त या नहीं, कि लोगों की सिर्फ अफवाहें ही हैं ये फैलाई हुई कि बहुत टेस्टी बहुत ही अच्छी, तो चलो आज देखेंगे हम। मैंने भी सुना है कि जो बालू का वाइट पुल है उसके पार करेरी है पानीपुरी की, वो बहुत ही स्वादिष्ट पानीपुरी बनाते हैं, तो चलो आज देखते हैं कैसी उनकी पानीपुरी होती है। तो गाइस, आप भी ब्लॉग में बने रहना ठीक है, और अगर मुझे स्वादिष्ट लगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और आप भी बालू आए तो ज़रूर उनकी रेहड़ी पर जाइएगा और वहाँ से पानीपुरी खाना। ओके, तो फिलहाल अभी तो मेरे बाल गीले हैं, मैं फटाफट तैयार हो लेती हूँ और गाइस फिर आपको लेके चलती हूँ बालू वाइट पुल की तरफ। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको पानीपुरी अच्छी लगे तो आप भी ज़रूर खाना, तो चलो आज पानीपुरी खाते, यार गर्मी है तो क्यों ना पानीपुरी खाकर थोड़ी सी ठंडक की जाए। चलो गाइज, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, मैं फाइनली तैयार हो चुकी हूँ और अब चल पड़ी हूँ बालू में पानीपुरी खाने, तो आपको भी ले चलती हूँ अपने साथ। आई होप आपको भी पसंद आए, तो प्लीज़ गाइज अगर आपको अच्छी लगे, मतलब आपको तो क्या, वैसे मैंने खानी है, मुझे अच्छी लगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, और आपने भी फिर ज़रूर आना है उधर, ठीक है, टेस्ट करना है एक बार। मैंने सुना बहुत है कि उसकी जो क्या बोलते कांजी बड़ी स्वादिष्ट होंगी, तो ज़रूर तो उसे खाए। तो चलो अब तो ले चल रही हूँ बालू की तरफ। गाइस, मैं सड़क के रास्ते से नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि यहाँ से शॉर्टकट है, अब इतना गहरा खा के कौन जाए, तो बस यहाँ शॉर्टकट से जा रही हूँ मैं बालू की तरफ। बाकी आप तो जानते ही है ना वाइट पुल कहाँ पर है। सो गाइज, मैं चली हुई हूँ, आप देख सकते हैं ये है वाइट पुल, मैं तो पैदल चली हुई, इतना क्या मैंने गाड़ी में जाना था, तो ये वाइट पुल है, इसके पार ही वहाँ पर रेडी होगी, तो अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ तो आपको दिखाऊंगी जरूर, है ना। तो गाइज, मैं पुल क्रॉस कर रही हूँ अभी और बहुत जल्द मैं रेडी के सामने पहुँच जाऊँगी। हाँ, मेरे ब्लॉग में बने रहना गाइज, आपको दिखाऊंगी। वैसे सभी लोग यार मेरी तरफ देखते हैं, मेरे को बड़ी वो लगती है, पर मैं कोशिश करूंगी कि आपको दिखा सकूं। बाकी ये लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये हमारी रावी नदी है, मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ, वो हमारा पुराना पुल देखो रेड, बाकी हमारा चंबा तो आप जानते ही है। फिलहाल मुझे इधर जाना है। गाइस, मैंने जिसके बारे में सुना था वो यहाँ पर है, अब जाती हूँ यहाँ पर और देखते कैसा स्वादिष्ट पानीपुरी बनाते हैं। सो गाइस, जैसे आप ये वाइट पुल पार कर लेते हैं और इसी के सामने आपको हमारे भैया जी की ये रेहड़ी दिखेगी, पानीपुरी आइसक्रीम। तो भैया, मैंने सुना है कि आपकी पानीपुरी बहुत स्वादिष्ट होती है, क्या ये बात सच है? मुझे खिलाओगे आप? चलो, मेरे खाने के बाद ही पता चलेगा सच में है स्वादिष्ट या नहीं। सो गाइस, चलो अब भैया के हाथों की बनी हुई पानीपुरी खाएंगे हम और देखते हैं कैसा स्वाद है। चलो भैया फिर बनाओ। सो गाइज, फाइनली मैं पानीपुरी लग पड़ी हूँ खाने और ये मैंने खाए। ओह माय गॉड गाइज, मैं आपको बता नहीं सकती, तो सुपर यार टेस्टी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है यार, क्या ही बोलूँ, मतलब जितना सुना था उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर टेस्ट मुझे खाने को मिला। ओह माय गॉड यार, वाओ, बहुत ही टेस्टी, मतलब जिसको बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। गाइस, आपको क्या ही बताऊँ, वैसे आपको मैं लालच दे सकती हूँ, बट लालच ही ओनली, खिलाने वाले नहीं हूँ। गाइस, खाना है तो इधर आना पड़ेगा आपको। हाँ भैया, मैंने जितना सुना था उससे कई ज़्यादा स्वादिष्ट आपकी गोलगप्पे थे, तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत टेस्ट लगे। और गाइस, मैं आपको भी बोलूँगी आप भी यहाँ पर जरूर आइए और इनके हाथ का बने हुए गोलगप्पे चखिए। आप क्या कहना चाहिए? बस यही, सब आए खाएं और टेस्ट करें, एक बार आके बताएं। हाँ जी, तो गाइस प्लीज़ इनकी
दुकान पर यहाँ पर जरूर आए आपकी डेयरी पर और गोलगप्पे खाए और बताए कि कैसे है। और इसी के साथ मेरा गाइस ब्लॉग खत्म होता है, तो बाय।